रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ग्लास प्रिज्म के अंदर से कैसे उसके पाथ में विचलन आता है या उसका पाथ चेंज होता है, और एक ये जो ग्लास प्रिज्म है इसके अंदर खास बात क्या है, इसमें रेनबो दिखाई देगा। जैसे इसमें लाइट पास होती है इसमें 7 कलर्स आपको दिखाई देंगे अगर यहाँ देखेंगे दूसरी साइड से, तो वो रेनबो क्या है कि जो श्वेत प्रकाश है, जो वाइट लाइट है, रेनबो दिख रहा होगा बहुत अच्छे से इसमें, तो रेनबो के अंदर जो 7 कलर्स होते हैं जो विबग्योर बनाते हैं, वो 7 कलर्स एक सब जो वाइट लाइट होती है वो 7 रंगों में टूट जाती है, और जो 7 रंगों का कॉम्बिनेशन उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, और जो वो टूट जाती है 7 रंगों में, सफ़ेद रंग 7 रंगों में बट जाता है, उसे स्कैटरिंग या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से वो चेंज हो जाता है। तो आज हम यही स्टडी करेंगे। आज हम एक कांच का ग्लास प्रिज्म लेंगे जिसकी साइड्स होंगी ए बी सी, और उसमें जैसे हमने ग्लास स्लैब में किया था ऐसे ही यहाँ पर एक रे होगी जो एंगल बनाती हुई, हमें जो परपेंडिकुलर डालना है, ये परपेंडिकुलर लम है, वो इस कोने से होता हुआ होना चाहिए, ऐसे इस तरीके से लम डालेंगे, और फिर यहाँ पर दो पिन लगानी हमें जो आपतित किरण का काम करेंगी। लम और आपतित किरण के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, और जब ये रेयर मीडियम बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड रेयर मीडियम, ये रेयर है क्योंकि एयर है यहाँ पर, और जैसे ही ग्लास में जाएगा तो ये मीडियम डेंसर की तरह काम करेगा और डेंसर से फिर रेयर की तरह काम करेगा। तो उसके अंदर जब ये रे आपतित किरण ऐसे स्ट्रेट जानी चाहिए लेकिन ये बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये प्रॉपर्टी होती है प्रकाश की किरण की, जब भी कोई रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो उसके अंदर जो उसका पाथ है वो विचलित हो जाता है, वो बेंड करेगी लंब की तरफ, और ये एंगल कहलाएगा लंब, और जो रिफ्रैक्टेड रे है उसके बीच का एंगल होगा रिफ्रैक्शन एंगल, और उसके बाद फिर ये जो सेकेंड फेज है प्रिज्म का एसी, वहां पर इस बिंदु पर आके, माना कि ये ओ डैश है बिंदु, तो ओ डैश पे आके ये जो एक सिंगल रे थी वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, और वो 7 कलर्स है विबग्योर, VIB विबग्योर। विबग्योर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स जो कि एक सिंगल व्हाइट लाइट से बनता है, जिसको कहते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ऊपर रेड होता है क्योंकि रेड की वेवलेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, आपने देखा होगा जितने भी खतरे के निशान हैं रेड लाइट्स होती हैं वो लाल रंग की होती हैं, वो क्यों होती हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है, उसमें डेविएशन कम है, कम डेविएशन होगा तो उसकी स्कैटरिंग कम होगी और वेवलेंथ ज़्यादा होगी डेविएशन। तो यहाँ पर भी आप देखोगे जो निर्गत कोण है वो रेड के साथ कम है, ऐसे ऐसे जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएंगे वायलेट का सबसे ज़्यादा डेविएशन है क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है, और पूरा आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वायलेट जो रंग होता है ब्लू है वो स्कैटर बहुत ज़्यादा होता है वेवलेंथ कम होने की वजह से, और इस तरीके से प्रिज्म में से 7 कलर्स का एक ब्यूटीफुल स्पेक्ट्रम है वो हमें दिखाई देता है। इसको हम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से करते हैं। अगेन दिस इज द ग्लास प्रिज्म, इसकी हमें वही सेम जैसे हम बाउंड्री करेंगे सबसे पहले ग्लास स्लैब की तरह, इस तरह से बाउंड्री कर लेंगे जो मैंने अभी अभी बताया कि इसको आप स्केल से भी कर सकते हो या थोड़ा हाथ से भी एक्सपेंड कर सकते हो। ये एंगल ए है, ये बी साइड और ये सी, इसको एंगल ए ही मान लेते हैं, साइड भी और ये भी। अब ये जैसे मेरे को लंब ड्रॉ करना है तो इसकी खास बात क्या होती है कि लंब बीचों बीच होना चाहिए, यहां से मैं एक लंब ड्रॉ करूंगी, दोनों साइड्स पे आप लंब ऐसे ड्रॉ कर सकते हो स्केल से, ये जो बिंदु दिख रहा है आपको ये वाला सेंटर यहाँ बी, बी से होता हुआ ये लंब है ऐसे खींचेंगे। अब इसमें यहां पर एंगल 30 बनाते हुए एक रे खींच देंगे जिस रे का नाम होगा आपतित किरण, ऐसे एक रे बनाएंगे, जब हम इसे देखेंगे पास करेंगे लाइट को, दो दो बिंदु ले लेते हैं, एक पी बिंदु एक क्यू बिंदु, यहाँ पर हम ये ऑल पिन लगाएंगे और ये एंगल यहाँ से इधर गिर रही, इस ओ बिंदु पर गिर रही है, तो ये आपतित किरण है लंब, दिस इज कॉल्ड लंब, और ये आपतित किरण है। आपतित किरण और लंब के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, एंगल आई, एंगल आई माना कि 30 डिग्री है, यहाँ पर जूम कर ले, हम ले सकते हैं इसको डी से भी मेजर करके हम ले सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी क्या होती है रे ऑफ लाइट की, ये रे ऑफ लाइट जो है ये अगर ग्लास प्रिज्म ना होता तो ऐसे स्ट्रेट चली जाती बिल्कुल, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है, ये रेयर मीडियम है और ग्लास क्या होता है सघन है, ये विरल है और ये सघन माध्यम है, ये डेंसर है, तो डेंसर और रेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी रेयर से डेंसर में जाती है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे बेंड करेगी ये, और यहाँ यहाँ पर आके ये मीट कर जाती है इस बिंदु पर, माना कि ये ओ डैश है,
जो हमने लंब पहले ही ड्रॉ किया हुआ था, और ऐसे आप रे डायग्राम हमेशा एरो से शो करते हैं तो एरो लगा देंगे। फिर अगेन ये लंब है और ये एक रे जा रही है, अब ये डेंसर से रेयर में आएगी दोबारा वापस, सघन से विरल में आएगी, तो स्पीड ज़्यादा हो जाती है लाइट की, स्पीड ज़्यादा होगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल है लंब और ये अवे जाएगी, लेकिन अवे जाने के साथ साथ ये सेवन कलर्स में इस तरीके से टूट जाती है, सेवन कलर्स में डेविएट हो जाएगी, सात रंगों में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम विबग्योर विबग्योर नाम देते हैं, VIBGYOR। ऊपर रेड वाला होगा क्योंकि उसका डेविएशन, जो एंगल ऑफ डेविएशन है, जो एमर्जेंट एंगल है, निर्गत कोण है, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एंगल यहाँ पर आर का कम होगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा, और स्कैटरिंग के अंदर जो स्कैटरिंग होती है, प्रक्षेपण जिसको हम बोलते हैं, स्कैटरिंग है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा फोर के, मतलब वेवलेंथ रेड कलर की ज़्यादा होती है तो स्कैटरिंग उसकी कम है, तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो ये आपतित किरण है इसको भी हमने पीछे एक्सटेंड कर दिया, अब जो निर्गत जो ये एमर्जेंट रे है, ये वाली जो रे है ऐसे आप शो कर सकते हो इसको, एरो से बाहर की तरफ जा रही है, इसके और इसके बीच का जो मध्य जो एंगल है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, और डी का बोलते हैं इसको विचलन कोण, डाइवर्जेंट एंगल, सॉरी, ये एंगल ए है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है और ये एंगल ऑफ डाइवर्जेंट है, मतलब रे है वो डाइवर्ट होती है, इस वजह से एंगल, इसमें क्या कंक्लूजन निकाला, रिजल्ट क्या आएगा कि जो एंगल आई है और एंगल ई है, उन दोनों का सम एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डाइवर्जेशन के बराबर होना चाहिए, ये मेन हमने देखना है इसके अंदर। और इस तरीके से हम ग्लास इसके अंदर आप दोबारा इसको रखोगे, अब हम इसको ड्रॉ करने के साथ साथ एक्सपेरिमेंटली कैसे इसको करेंगे, अगर हम यहाँ पर दो पिन लगा देते हैं ऐसे, तो आप देखोगे जो इसकी इमेज है वो दूसरी साइड हमें दिखाई देगी, ऐसे पिन लगाएंगे हम इसमें, ऐसे पिन लगाकर हम इस तरफ से देखेंगे, ये जो फेस है, ये वाला जो फेस है इसका, ये वाला ए बी साइड, ए सी की तरफ से हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें पैरेलल रेज के बिल्कुल पैरेलल में, माना कि ये यहाँ दिख रही है मुझे, इस तरीके से हम पिन लगाएंगे कि एक ये दोनों समानांतर दिखें। आप यहाँ से देखोगे तो ये उसकी इन दोनों पिनों की इमेज, इन दोनों पिनों की इमेज इसके बिल्कुल समानांतर दिख रही है, ये जो दो पिन लगी हैं और ये जो दो पिन लगी हैं, दोनों ग्लास प्रिज्म से होती हुई एक दूसरे के समानांतर दिखाई देती हैं, ऐसा लगता है चारों पिन एक ही लाइन के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है ग्लास के अंदर और यहाँ पर रेयर मीडियम है दोनों, और ये भी रेयर है, हवा के अंदर दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में हैं, लेकिन जब ग्लास प्रिज्म में से पास करती हैं तो वो रे आपको बिल्कुल पैरेलल दिखाई देंगी, एक ही रेखा के अंदर दिखाई देंगी, इसको हटा देंगे और इस तरीके से हम ये रे डायग्राम में ड्रॉ करके हम बता सकते हैं कि प्रकाश की किरण के अंदर क्या चेंज आया। तो इसमें यहाँ पर आपने यही कंक्लूजन निकाला, रिजल्ट डी, इसको हम एरो से दिखाएंगे ऐसे, सबसे पहले डी एंगल हमें फाइंड आउट हो गया यहाँ पे, जब आपतित किरण और जो निर्गत किरण है इनको जब हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया दोनों को, उनके मध्य जो कोण होता है उसको विचलन कोण कहते हैं, डाइवर्जेंट कोण कहते हैं, इस एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। अब यहाँ इस रेस इस डायग्राम इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें क्या कंक्लूजन निकला कि जो एंगल आई और ई है, आपतन कोण और निर्गत है, ये एंगल और ये एंगल, एंगल आई प्लस एंगल ई, दैट शुड बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। इसका मतलब ये हमारा प्रकाश का जो पाथ है वो हम एक प्रिज्म के माध्यम से इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।